राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। तो यूपी में डीजी स्तर के 5 अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रशांत कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के साथ ईओडब्ल्यू का भी चार्ज दिया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार को हटाया गया है। एसएन साबत को डीजी जेल बनाया गया है। वहीं विजय कुमार को डीजी विजिलेंस का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आनंद कुमार को डीजी कोऑपरेटिव का चार्ज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में डीजी स्तर के 5 अधिकारियों का तबादला हुआ है और प्रशांत कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के साथ ईओडब्ल्यू का भी चार्ज दिया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार को डीजी कोऑपरेटिव का चार्ज दिया गया है। एसएन साबत को डीजी जेल बनाया गया है। विजय कुमार को डीजी विजिलेंस का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यूपी में देखने को मिला है और डीजी स्तर के 5 अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी में फिर से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। यूपी में डीजी स्तर के 5 अधिकारियों का तबादला हुआ है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज ही डीजी के पद पर नई तैनाती हुई है। आरके विश्वकर्मा को डीजीपी बनाया गया है कार्यवाहक। तो जाहिर सी बात है जो उनके पास विभाग से ईओडब्ल्यू और पुलिस भर्ती बोर्ड वो जिम्मेदारी किसी और को दी गई है। हालांकि एक बड़ा फेरबदल डीजी कारागार के पद पर देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले डीजी आनंद कुमार जेल के डीजी हुआ करते थे, लेकिन उनको कारागार से हटाकर अब कोऑपरेटिव में डाल दिया गया है और उनकी जगह पर एसएन सावत, जो अभी तक पावर कॉर्पोरेशन के डीजी हुआ करते थे, उनको कारागार का नया डीजी बनाया गया है। इसके अलावा विजय कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली है। साथ में अगर हम आनंद कुमार जो प्रशांत कुमार जो कि एडीजी येल्लो है, चूंकि उनके पास पहले से ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, लेकिन साथ में उनको ईओडब्ल्यू यानी आरसी के पास शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल 5 ऐसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनके विभागों में बदलाव किया गया है। अविनाश, निकाय चुनाव से ठीक पहले इस फेरबदल के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि चूंकि आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज जो कार्यवाहक डीजी थे डीएस वानो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पर नए डीजीपी की नियुक्ति हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जो विभाग जो अलग अलग विभाग थे उनके पास, उसमें बदलाव चूंकि एक प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रक्रिया के तहत होता है। हालांकि यहाँ चूंकि जब भी ऐसे ट्रांसफर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके मायने निकाले जाते हैं, और निकाय चुनाव से पहले अगर ये बदलाव किए गए तो जाहिर सी बात है कि इसके भी कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से